अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यम्मी सी रेसिपी में आप सबको वेलकम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बनाना केक। बहुत ही आसान सा तरीका है, बनाना से बनाना सिखाएंगे केक। एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, आप घर में बनाइए, घर में इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। आपको बेकरी से केक मंगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। घर में जब कभी दिल हो अपनी मर्ज़ी से केक बनाए या डिज़र्ट में पेश कर सकते हैं, घर वालों को बना के खिला सकते हैं। फौरन से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमने लिया है केला, यहाँ पर हम दो अदद केले लेंगे और इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे और हम फॉक की मदद से इसे अच्छे से मैश करेंगे। अगर आपसे मैश नहीं हो रहा, इट्स ओके, ब्लेंडर में डालिए, ब्लेंड कर लीजिए। और डालेंगे एक अदद अंडा, अच्छे से मिक्स करेंगे फॉक की मदद से। आप हैंड बीटर यूज़ कर सकते हैं, हमने दूसरा अंडा डाला है और मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। एक कप है मैदा हमारे पास, मैदा को हमने अच्छे से छान लिया था, ये हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। फॉक की मदद से इसे मिक्स करेंगे। आपने कोशिश करनी है अच्छे से मिक्स हो, लम्स ना बने इसके अंदर। 1/4 कप इसके अंदर हम डालेंगे घी, कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आधा कप इसके अंदर डालेंगे हम दूध, फुल फैट वाला दूध हमने लिया है, ऐसा नहीं है कि वो अलग कर लियो फैट। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डाल रहे हैं आधा कप चीनी, हमने पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहें तो क्रिस्टल शुगर ले सकते, रेगुलर शुगर जिसे कहते हैं, हमने पिसी हुई चीनी इसलिए ली है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर टेस्ट के लिए, आप वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। एक खाने का चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, अच्छे से मिक्स करना है। जितने ज़्यादा आप इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त केक बनेगा हमारा। और ये देखिए, हमने लिया है एक अदद केक पैन, केक मोल्ड कह लीजिए, इसे हमने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर रखा है बटर पेपर, बटर पेपर को भी हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, कुकिंग ऑयल हमने लेना है। तो ये देखिए, ऑयल से कोटिंग कर लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देंगे एक केक का मिक्सचर जो कि हमने बनाया है, और इसे हम पूरे 45 मिनट के लिए एक कढ़ाई के अंदर रख देंगे। कढ़ाई हमने ऑलरेडी चूल्हे पर रख दी है गर्म होने के लिए। और पूरे 45 मिनट के बाद ये देखिए, हमने केक को निकाला है बाहर, हमने ढक्कन उठाया है, केक को बाहर निकालते हैं, केक मोल्ड को लूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केक तैयार है। बटर पेपर को रिमूव करते हैं, हटा लेते हैं बटर पेपर। कैसी लगी है आपको वीडियो फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी आपने दबानी है वरना नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो हमारा मज़ेदार सा केक तैयार है, ये देखिए हम इसे कट करते हैं। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा स्पॉन्जी केक बना है, ज़बरदस्त। पूरे 45 मिनट के अंदर हमने घर में मज़ेदार सा केक तैयार कर लिया। एडवाइज़र कुकिंग आपके लिए इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।